का संपर्क करूंगी। AK मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए दो तीन चीजें हैं मैम, मैं आपको बताऊं। जी न तो नेहा शालिनी दुआ जी ने पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अच्छे तरीके से कोई लॉजिकल सबमिशन कर पाई, यानी कि लॉजिकल वे में किसानों के सामने प्रेजेंट किया जाए, और न ही विपक्ष इसको अच्छे तरीके से समझ पाया है। देखिए हमेशा से प्रॉब्लम, पिछले 70 सालों से किसानों की दुर्दशा रही है, ये तो सारी पार्टियां मानती बिल्कुल है। हमेशा मुद्दा ये रहा है कि किसानों को उनकी उपज का प्रॉपर मूल्य नहीं मिलता है, चाहे टमाटर हो चाहे गेहूं हो, कोई भी फसल उनकी हो, उनकी लागत 10 रुपए होती है तो 2 रुपए पे बेचने के लिए मजबूर होते हैं। अब सवाल लागत कैसे वसूल की जाए, यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर और दूसरा होता है मार्केट, क्योंकि लागत तो आपको मार्केट ही देगी ना जहां पे बिकेगा, तो गैप यहाँ पे मार्केट का है। देखिए लॉजिकल सबमिशन क्या है इस बिल का, जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है कि जब तक किसान के साथ, एग्रीकल्चर के साथ साइंस का संयोग नहीं हुआ यानी विज्ञान का, तब तक खेतों की उपज नहीं बढ़ी। हरित क्रांति आई यानी विज्ञान की टेक्नोलॉजी को किसानों के साथ जोड़ा गया तो फायदा हुआ। अब जरूरत है कि मार्केट को किसानों के साथ जोड़ा जाए ताकि उनको अच्छी फसल की लागत मिले। मार्केट मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब बाजार, क्योंकि लागत या पैसे की वसूली तो बाजार से होगी ना। तो किसानों को ये समझना चाहिए, सरकार को ये समझाना चाहिए, क्लियर कट लॉजिक देना चाहिए कि आज जो आपको लागत अच्छी नहीं मिल रही है क्योंकि आप केवल 10-5 किलोमीटर के दायरे में बेचते हो, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपके साथ एसोसिएट होता है, ओपन मार्केट आपके लिए खुलती है, तो हो सकता है आपका अनाज डॉलर में बिके, फॉरन में बिके। मैं बोलता हूँ कि कनाडा के राष्ट्र प्रधानमंत्री तक तो आवाज पहुंच ही गई है, वो तो बोल ही रहे हैं इनके फेवर में, तो वहां से अनाज भी आपका पहुंचेगा, कैनेडियन डॉलर में भी आपका बिक सकता है। जी तो मिश्रा जी, आपका कहने का मतलब है सरकार जो 3 कानून लेकर आई है ये किसानों को सही ढंग से समझा नहीं पाई? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं समझा पा रहे हैं ना। देखिए मैं तो देख रहा हूँ इस बिल से हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। एक ग्रेटर एरिया को, स्पैन को बढ़ा दिया गया है, किसान जो अभी तक 10-20 किलोमीटर के दायरे में अपने अनाज को बेचते थे, अब दुनिया उनके अनाज को खरीदने के लिए आएगी, ओपन मार्केट होगा, ओपन प्राइसिंग होगी, MSP से भी बढ़कर के हो सकता है क्योंकि अनाज की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत है, तो हो सकता है आपको प्राइस सामने से MSP से ज्यादा मिले, ये भी तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलिए ठीक है, AK मिश्रा जी के पास चलते हैं। देखिए है क्या, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो इस मौके को एज ए राजनीतिक मौके की तरफ घुमाने में लगी हुई हैं। ये किसान क्लेम करते हैं कि ये हमारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, इसमें किसी भी राजनीति का जो है कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी ना आए। ठीक है, केजरीवाल गए थे शायद, उनको जगह न देने की भी उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल के जितने राजनीतिज्ञ हैं, पता नहीं क्या सत्य है क्या असत्य है, चाहे खालिस्तान हो चाहे कनाडा हो ब्रिटेन हो, हर जगह के राजनेता आ गए। तो जो किसान नेता है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उनको भी ये, उनकी भी ये जवाबदेही है, वो बताएं कि ये राजनेता। मिश्रा जी, सरकार की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वो ये कानून लेकर आए, उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करे और उसके बाद में इस कानून को लागू किया जाए? सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात, कितने परसेंट रिप्रेजेंटेशन रह गया है इन लोगों का जो सरकार में है, उन्हीं को बुलाएंगे पहली चीज, और दूसरी चीज ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, बिल कोई पास होता है तो वो बहुमत के आधार पे पास होता है संसद के दोनों सदनों में, अगर ये संसद के दोनों सदनों से पास हुआ लेकिन है, कानून बनता किसके लिए है मिश्रा जी? कानून तो आमजन के लिए बनता है ना, आपके लिए हमारे लिए कानून बनता है, और आप, मैं और किसान जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, अगर वही परेशान है तो कानून किसके लिए है? शालिनी जी वो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, शालिनी जी, AK मिश्रा जी आपके पक्ष में बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लेने दीजिए, आपके पक्ष में बोल रहे हैं। शांत रहिए, मंडी व्यवस्था 70 सालों से है, 30% से ज्यादा किसानों को फायदा मंडी व्यवस्था का नहीं मिल पाता है, 70% किसानों के पास जो है मार्केट कैसे पहुंचे इसका जवाब कौन देगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, हमेशा से ये मांग उठती रही है कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, आज इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से जब क्लब किया जा रहा है तो इस बेनिफिट को क्यों नहीं समझ रहे हैं ये नेता लोग या किसान लोग? सिर्फ ये बोल देना कि जी ये बिल वापस, मिश्रा जी, तो ये मिश्रा भी तो जी आप मुझे ये बताइए मिश्रा जी, कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? सरकार समझाएगी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं समझा पा रहे हैं, विपक्ष मौके का फायदा उठा रही है, तो जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, हमारी और आपकी है समझाने की, हम ना पक्ष की बात कर रहे हैं ना विपक्ष की कर रहे हैं, मैं तो फायदे की बात कर रहा हूँ। 30% किसान मंडी में जाते हैं, मंडी की फैसिलिटी का, व्यवस्था का फायदा लेते हैं,
70% किसान जिनके पास 2 किलोमीटर की दूरी की मार्केट तक पहुंचने के लिए भी कोई साधन नहीं है, कोई फोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, उन अंतिम अंतिम दर्जे के किसानों को फायदा कैसे पहुंचेगा, मुझे जरा ये बताइए। जो अपनी झोपड़ी में अपने 1 क्विंटल के अनाज को 3 साल रखते हैं, उनके लिए वर्ल्ड क्लास की शालिनी जी से एक बार जवाब की वजह से लगातार आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मिश्रा जी आखिरी कमेंट दीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, देश में 100 करोड़ में 80 करोड़ यहाँ पे किसान है, 10-20 हजार किसान एक स्टेट विशेष के बैठे हुए हैं फॉर्च्यूनर में। किसान की आमदनी इतनी बढ़ गई है कि वो फॉर्च्यूनर से चलने लगे हैं, तो प्रदर्शन की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब उनको इनकम हो रही है कि वो फॉर्च्यूनर के लेवल तक उनका स्टेटस पहुंच गया है, तो फिर कहां दिक्कत है। इनको ये बोलिए कि इनके हिसाब से सरकार बिल ले आएगी, लेकिन लिख के दे दे कि फिर बाद में ये कभी किसान कंप्लेंट नहीं करेंगे कि हमें प्राइस अच्छी नहीं मिली, हमें नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें ये प्रॉमिस कर ले कि ये बिल वापस कर देने पे किसान को मनमांगा जो है प्राइस मिलनी शुरू हो जाएगी, अनाज के दाम बढ़ जाएंगे, किसानों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विनोद सिंह जी जो कांग्रेस के बैठे हैं, अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो ये डिक्लेयर कर दें कि बिल वापस कर लेने के बाद भारत का किसान दुनिया का सबसे अमीर हो जाएगा, इस चीज को ये प्रॉमिस कर लें।